विभव कुमार 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस सीन रिक्रिएट कर सकती है, कहा फुटेज मांगे तो खाली पेन ड्राइव दी, मोबाइल पासवर्ड नहीं दिया। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव को शनिवार शाम 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। देर रात उन्हें 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। दिल्ली पुलिस की ओर से एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव ने विभव की कस्टडी पर दलीलें दी। विभव को 23 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। विभव की गिरफ्तारी के बाद मालीवाल ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि विभव ने उन्हें थप्पड़ और लाते मारी। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए दिल्ली पुलिस आज विभव को सीएम हाउस ले जा सकती है। पुलिस 17 मई को स्वाति मालीवाल को सीन रिक्रिएशन के लिए ले गई थी। मालीवाल ने आरोप लगाया कि विभव ने 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की, उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 पर FIR करवाई थी। पुलिस ने कोर्ट में विभव पर लगाए 4 आरोप। पहला, शिकायत करने वाली राज्यसभा सांसद है, उन्हें बुरी तरह पीटा गया, संवेदनशील अंगों पर हमला किया गया। दूसरा, हमने फुटेज के लिए DVR मांगी, हमें पेन ड्राइव दी गई जो खाली थी। तीसरा, पुलिस को एक आईफोन दिया गया, विभव इसका पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, ये फोन फॉर्मेट कर दिया गया है। चौथा, गवाहों पर आरोपी का प्रभाव है, उसे बर्खास्त कर दिया गया था, तब वो मुख्यमंत्री आवास कैसे पहुंचा, हमें जांच करनी है कि वो असामाजिक तत्वों से जुड़ा है या नहीं। रिमांड के खिलाफ विभव के वकील की 6 दलीलें। पहला, विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा घटना 13 मई को हुई, तब स्वाति ने FIR के लिए 3 दिन तक इंतजार क्यों किया। सीएम हाउस जाने के लिए स्वाति ने पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया, ना ही इजाजत मांगी। दूसरा, राजीव मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री पब्लिक फिगर है लेकिन हर वक्त नहीं। दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़ मरोड़ रही है। स्वाति ने PCR कॉल पर शिकायत की, उन्हें पीटा गया तो 13 मई को FIR क्यों नहीं की, कौन सी चीज रोक रही थी। तीसरा, स्वाति की कॉल पर पुलिस पहुंची पर स्वाति को अस्पताल नहीं ले जाया गया। PCR कॉल रिकॉर्डेड होती है और अफसर रिकॉर्ड फाइल करता है। स्वाति पुलिस स्टेशन गई और घटना के बारे में बताया था, उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। चौथा, किसी भी ट्रीटमेंट का कोई जिक्र नहीं है, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स या MSC रिकॉर्ड पर नहीं है। 16 मई तक कोई खबर नहीं थी, FIR में लिखा गया है कि कोई देरी नहीं की गई। और पांचवा, सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में कोई CCTV नहीं है, गेट पर कोई कैमरा नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस डेटा डिपार्टमेंट से ले सकती है। इस मामले में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसे में 7 दिन की रिमांड जरूरी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।